हेलो गाइस, आपका इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम की एक और न्यूमत गेम प्ले वीडियो में फिर से स्वागत है। आज की गेम प्ले वीडियो में हम फिर से कोई निमित को कंफर्म या बस्ट करने वाले हैं। तो गाइस यार, सबसे पहला मिथ आया था लेकिन वो बहुत ही लंबा है, तो गाइस मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको इन्फिनिटी हेड का चीट कोड लगा लेना है। इन्फिनिटी हेड का चीट कोड लगाने के बाद आपको जॉम्बी स्पॉन करा लेना है। जॉम्बी का चीट कोड है 2030। उसके बाद क्या करना है, आपको बिल्कुल ट्रेन के आगे आना है। बिल्कुल ट्रेन के आगे आने के बाद यहाँ पर आपको एक बोट को स्पॉन करा लेना है। बोट का चीट कोड है 3001। तो गाइस यहाँ पर बोट स्पॉन कराने के बाद आपको करना है जॉम्बीज को इकट्ठा कर लेना है, यानी कि अपने पीछे बहुत ही सारे जॉम्बी को बुला लेना है। तो गाइस देखो यार, यहाँ पर मैं जा रहा हूँ और मेरे पीछे बहुत ही सारे जॉम्बी आ रहे हैं। तो गाइस यार, आपको बहुत ही सारे जॉम्बीज को इकट्ठा कर लेना है। इतना मैं इकट्ठा करता हूँ, इतना आप जल्दी से जाओ, वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर आपको यहाँ पर आकर बोट के अंदर बैठ जाना है। तो गाइस यार, गलती से बोट के अंदर ही चले गए थे, आपको दोबारा उतर कर बैठना है। और ये जॉम्बी आपको धकेलते धकेलते आपकी बोट को गाइस इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के ग्राउंड के अंदर पहुंचा देंगे, यानी कि आपकी जो बोट है वो वाटर में तैरने लगेगी। ये वाला ग्लिच आप अभी तक स्विमिंग पूल ग्लिच के तरीके से करते थे, लेकिन उसमें आप बोट अंदर नहीं लेके जा सकते थे। लेकिन मैंने आपको नया ग्लिच बता दिया है जिससे आप अपनी बोट को पानी के अंदर लेकर जा सकते हो। तो गाइस यार, ये वाला ग्लिच आपको कैसा लगा कमेंट में मेरे को जरूर बताना। और गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से जाकर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम की मेरी इस गेम प्ले वीडियो को जल्दी से जाकर लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मिथ की ओर। तो गाइस यार, नेक्स्ट मिथ में जाने से पहले गाइस देखो यार, आप अपनी बोट को पानी के अंदर ऐसे चला सकते हो। तो गाइस जल्दी जाकर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट मिथ में। तो गाइस यार, नेक्स्ट मिथ बहुत ही खतरनाक होने वाला है, तो उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा जल्दी से जल्दी पुलिस स्टेशन और अपनी घोस्ट राइडर बाइक को लेके, क्योंकि जो नेक्स्ट मिथ होने वाला है वो घोस्ट राइडर बाइक से होने वाला है। किसी का कमेंट आया था कि गाइस, जो हमारे पुलिस स्टेशन के बाहर बंदे खड़े होते हैं उनको अगर हम घोस्ट राइडर बाइक से मारते हैं तो वे नहीं मरते हैं। तो गाइस देखो यार, मैंने इनके ऊपर कितनी बाइक ऊपर चढ़ा दी, लेकिन ये वाले पुलिस वाले बंदे नहीं मरे। अब जल्दी से चलते हैं अंदर और अंदर वाले पुलिस वाले बंदों को मार कर देखते हैं मरते हैं कि नहीं। तो गाइस देखो यार, ये तो दूर से दूर ही मर गए भाई, वो तीनों मर गए भाई। वो गाइस ये तो उछल उछल के जा रहे हैं भाई, देखो कैसे दूर जाकर पड़ा है भाई। ओ भाई, ये भी देखो यार कितनी दूर जाकर गिरा है। तो गाइस यार, ये मिथ कन्फर्म है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मिथ की ओर। तो गाइस जल्दी अगर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओ भाई, इसे क्या हुआ? ओ रे भाई, इसे क्या हो गया था? आपने देखा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मिथ की ओर। नेक्स्ट मिथ में कमेंट में आया था कि इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के पुलिस स्टेशन के अंदर जो बंदे बैठे होते हैं उनके ऊपर स्टिकी बॉम्ब लगाओ, पुलिस वालों के ऊपर भी स्टिकी बॉम्ब लगाओ और फिर इसको एक्टिवेट करो, फिर देखो मैजिक। तो इसी मैजिक को देखने के लिए हम आ गए हैं पुलिस स्टेशन, और इसके ऊपर भी जल्दी से स्टिकम लगा देता हूँ। सबके ऊपर बहुत ही सारे, यानी कि दो दो तीन तीन स्टिकम लगाने हैं मेरे को। उसने तो एक को बोला था, लेकिन हम दो दो तीन तीन लगा देखते हैं, वो देखते हैं क्या मैजिक होने वाला है। तो गाइस देखो यार, इसके ऊपर भी जल्दी से स्टिकम को लगा देता हूँ। ओ गाइस, सबके ऊपर स्टिकम लगा दूंगा। आप भी जल्दी से जाओ, जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और गाइस अपने दोस्तों में इस इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम की मेरे गेम प्ले वीडियो को शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चल जाए। तो गाइस जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैंने सबके ऊपर स्टिकी बम लगा दिए हैं, अब जल्दी से इनको एक्टिवेट करता हूँ, देखता हूँ क्या मैजिक होता है। ओ भाई साहब, जैसे ही मैंने एक्टिवेट किया गाइस, जो बाहर पुलिस वाले बंदे खड़े थे उनको तो पता नहीं क्या हो गया भाई इसकी। ओरे भाई, ये छत में कैसे लटक रहा है यार? ओ ये वाला भी लटक रहा है। ओ भाई, इन्हें क्या हो गया भाई यार? इसके लिए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो गाइस जल्दी अगर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मिथ की ओर। नेक्स्ट मिथ में कमेंट में आया था कि अगर हम गेम में लॉक लगाकर गाइस एक्टिवेट मोड ऑन कर दें, टारगेट एक्टिवेट मोड ऑन कर दें, तो गाइस फिर अगर हम बंदों को NPC को मारते हैं बंदूक से या AK-47 से या पिस्टल से या स्नाइपर से, तो वे बंदे नहीं मरते हैं। तो गाइस देखो यार, ये तो सच में नहीं मर रहे हैं गाइस। मैंने इनके ऊपर कितनी सारी गोली बरसा दी है लेकिन ये नहीं मर रहे हैं। मेरे को लगता है ये सिर्फ डायनासोर से ही मरने वाले हैं। तो गाइस देखो, मैंने इसको स्नाइपर से भी मारा, ये नहीं मरा। ओ गाइस, अब देखते हैं ये स्टिकी बॉम्ब से मरते हैं कि नहीं। तो गाइस के ऊपर मैं स्टिकी बॉम्ब लगा देता हूँ, फिर इसको एक्टिवेट करके देखूँगा, देखेंगे गाइस ये एक्टिवेट होकर मरते हैं कि नहीं। तो गाइस देखो, मैंने बहुत ही सारे स्टिकी बॉम्ब लगा दिए हैं, जल्दी से एक्टिवेट करता हूँ। ओ गाइस देखो यार, ये यानी कि स्टिकी बॉम्ब से मरता है और गाइस रॉकेट लॉन्चर से भी मर जाता है। तो गाइस ये दो ही चीज़ से मरता है। तो आप जल्दी से जाओ, जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और गाइस जल्दी से जल्दी जाकर अपना मिथ भी कमेंट कर दो। अभी तक आपने अपना मिथ कमेंट नहीं किया है तो गाइस जल्दी से जाकर अपना मिथ भी कमेंट कर दो।